सैटरडे नाइट है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने ऑर्डर किया चना मसाला रोटियाँ। यार हमारा तो पोपट हो गया, हम करें मगर ये देखो टिश्यू में रख के ले चल उसका। चलो ठीक है छप्पन चलते हैं। छोटू बोल रहा है कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा खाना क्या, तो मैं हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो दिस इज दिग्विजय एंड यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द एनिमल कॉर्नर। तो भाई आज है 14 मई और आज है हमारे दीपू भाई का हैप्पी बर्थडे। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बजने को है और हम लोग रेडी वेडी हो चुके हैं, तो बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, मैगी वैगी बना ली थी। शाम को इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि शाम को दीपू को किसी इसके फ्रेंड की शादी है, उसका रिसेप्शन है तो उसमें जाना है। तो हम लोग अभी सुबह दोपहर में जा रहे हैं। मतलब तो चलो निकलते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? चल भाई जल्दी चल यार, बहुत बड़े हैं। ये बुलेट वाले ने पूरा माहौल खराब कर दिया यार। बड़ 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 बड़। मेरे को बिल्कुल आवाज पसंद नहीं है जो एग्जॉस्ट लगवा था ना फालतू के फिजूल के। क्या करें मगर ये देखो। और आज गर्मी मेरे को लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा है। आज धूप भी तेज है और अभी बादल हो रहे थे, अब धूप आ गई है फिर बादल हो जाएंगे, तो गर्मी तो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। पता नहीं क्यों क्यों क्या गर्मी का मौसम है तो पड़ी रही। क्यों भाई छोटू पागल जैसी बात कर रहा है तू। हम निकल तो लिए बार बार, अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं है चलना का है। खाना खाना है तो एक ऑप्शन अपना स्वीट्स है, एक उस साइड में लीला है, और अगर खाना ही खाना है और अगर कुछ जंक खाना है तो फिर और देखते हैं, बाकी खाना ही खाते हैं। चलो निकलते हैं अभी तो। दिस इज द सेक्सीएस्ट कार इन द सेगमेंट अल्ट्रोज। तो हम लोग पहुँच चुके थे रेस्टोरेंट, तो ये साइड क्या कहते हैं इधर है अपना और ये रहा लीला। अपना पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम आने गए, तो हम लोग आ गए लीला पे और अभी अंदर चलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या खाना है। छोटू तूने कोई डिमांड नहीं करी? समझ नहीं आया क्या क्या भाई उसको कुछ समझ नहीं। मैंने मेन्यू दिखा दिया पूरा, फिर भी समझ नहीं आया क्या देना है। तो ना तो इसको कुछ समझ आता है बाहर खाने जाओ, ना ही इसको आता है। आता वैसे मेरे को भी नहीं है, बट मैंने थोड़ा बहुत जितना कुछ खाया है यहाँ पर उस हिसाब से मैंने जितना कुछ खाया उस हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया और मैंने फिर ऑर्डर कर दिया। तो अब बताता हूँ क्या ऑर्डर में आता है। कुछ और खाना तो बता दे, मुझे नहीं पता इसमें क्या। तो पढ़ना नहीं आता क्या तेरे को? खाने से पहले हाथ धोना इज मस्ट। छोटू ने मेरे को याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। हाइजीनिक लड़का है तो नहीं मगर फिर भी ठीक है। हमारे टेबल पे टिश्यू नहीं है, टेबल चला लिया। सो हम लोग ने ऑर्डर किया चना मसाला रोटियाँ पापड़, और ये पापड़ इतने ज़्यादा तीखे हैं, मतलब जो मसाला डाल रखा है ना वो बहुत तीखा है। दीपक की और इसी छोटू की 12 बज गई और मेरी भी 12 बज गई, मतलब पसीने पसीने हो गए हम लोग एकदम। बाकी अब ठीक है खाते हैं, पापड़ तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, सीसी करके खा तो लिया हमने। अब चना मसाला और रोटी खाना लेते हैं। तो खाना खाने के बाद दीपक ने और मैंने आइसक्रीम ली है और इसने कुछ नहीं लिया। कह रहा है कि मैंने कसम खाई थी कि आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पता नहीं कितना उससे बरकरार रहेगा। कितना रहेगा? ये भी नहीं खाया मैंने। नहीं खाया बताओ? सोप नहीं खाई और मतलब बड़ी बात है यार। टिश्यू में रख के ले चल ये चीज़ नहीं मिलती यार कहीं। खाना वाना कंप्लीट हो गया है और अब थोड़ा कुछ देखें बाहर, जूस वगैरह गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं वो पीते हैं। और आइसक्रीम वगैरह भी खा ली हमने यहाँ से, बट अब गन्ने का जूस क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। भाई तेरा चेहरा क्या हो गया गर्मी में, पसीना पसीना निकल रहा है पूरा। गर्मी बहुत तेज़ है यार आज, देखो ज़्यादा ऐसा पसीना निकलता है बट ठीक है तो कुछ ज़्यादा ही निकलता है। अभी तो ये तो सूखा है बिल्कुल यार, इसको देख बिल्कुल एक बूंद पसीना नहीं निकला। तो अभी हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हुए हैं, बस यहाँ से गन्ने का जूस पियेंगे और फिर घर निकल के आराम। सो ये रहा गन्ने का जूस। बस 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 तू भी डाल, इतने डालना और छोटू नमक दो नमक बस एंजॉय। तो हम लोग खाना वाना खा के बाहर से आए थे, फिर आके तो झपकी की ले ली थी। ये लोग तो पता नहीं भाई फ़ोन में चला रहे थे, गेम वेम खेल रहे थे बहुत हार्ड कोर एकदम। अपन थोड़ा सो गए थे, 1.5 घंटे मैंने नींद ले ली और अभी अपन बना रहे हैं चाय और ये पी रहा है दूध। इसमें ये हर्शीज़ का कोकोआ पाउडर डाल के, और कह रहा था कि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा शक्कर नहीं डालूंगा। हाँ एक चम्मच शक्कर डाली एक कप दूध में, बात करवा लो बस लोगों से, कुछ काम तो है नहीं। तो बस अभी चाय पीते हैं उसके बाद 6 बजे मैं उठूँगा। कौन उठेगा 6 बजे? मैं तो नहीं बोला कभी। तो भैया अभी ये दीपू जो है ना थोड़ी देर के बाद अपने दोस्त वोस्त किसके किसी की शादी है, शादी नहीं रिसेप्शन है, रिसेप्शन है ना, तो रिसेप्शन में जाएगा। तो मेरे को कह रहा है कि कपड़ों पर प्रेस कर दे, इतना बड़ा हो गया ताड़ का झाड़ बन गया मगर इनको अभी तक कपड़ों पर प्रेस करना नहीं आता। सीख ले भाई, अभी सीख रहा
क्यों मतलब अभी मैं ही करूँ प्रेस कर दूँगा कर रहा हूँ ठीक है भाई प्रेस करते हैं बिल्कुल। तो यार ये तो तैयार व्यार हो गया पड़ा हुआ है इधर आराम से, शादी में जाना है इसको। और खाने का ये सीन है कि भाई मैं छोटू को बोला कि यार खाने का क्या करना, तो छोटू ने कहा कि भाई इसने मेरे को सजेस्ट किया कि 56 चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है 56 चलते हैं। तो बस अभी मैं और छोटू हम लोग 56 जा रहे हैं और ये इसके दोस्तों का वेट कर रहा है कि इसके दोस्त आएंगे इसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं शादी में रिसेप्शन में मतलब। तो बस अपन लोग निकलते हैं क्योंकि अगर इसके चक्कर में बैठ रहा तो फिर लेट हो जाएंगे। अभी बज रहा है समय हो रहा है 7:30 के आसपास हो रहा होगा, तो बस अभी मैं निकलता हूँ और आराम से टाइम से आ भी जाएंगे घर। तो तू भी जल्दी टाइम से आ जाना थोड़ा घर, है ना? ठीक है जाए पैदल निकल जाएगा। चलो ठीक है, तो भाई ये जाएगा पैदल और हम भी निकल रहे हैं अब, तो बाय बाय। तो हम लोग 56 तो पहुंच चुके हैं, मगर यार आज सैटरडे नाइट है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। भाई बड़ी मुश्किल से गाड़ी वहाँ पर पार्क की मैंने, तो ये सैटरडे के दिन ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, देख रहे कितनी भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर निकलते हैं घर। अभी छोटू बोल रहा है कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा खाना क्या, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि दुकानें कौन कौन सी और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो भाई ये रहा सबसे पहले तो जॉनी हॉट डॉग, यहाँ पे देखो हॉट डॉग मिलेगा। और अब तो डिसाइड कर देखो खाना क्या है। हॉट डॉग कितने का था? 30 रुपीज़ ओनली और बहुत टेस्टी। तो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं खाना क्या है। यार हमारा तो पोपट हो गया, हम हॉट डॉग लेने गए थे बट उन्होंने कहा कि भैया खत्म हो गया, रैपअप हो गया सब कुछ, लेट हो गया अपन आज क्योंकि आज भीड़ बहुत थी ना, तो जल्दी खत्म हो गया। तो हॉट डॉग पर तो हमारी दाल निकली, तो हम लोग ने भी मोमोज ले लिए। मोमोज मेरे को बड़े पसंद है और इसने सी मोमोज कभी ट्राई नहीं करें, तो बस हम वही ट्राई कर रहे हैं अभी। भीड़ इतनी हो रही है कि भाई दो बार तो छोटू बेचारा घूम गया, फिर से मैं देख रहा छोटू कहाँ चला गया, छोटू कहाँ चला गया, पीछे देखा तो वहाँ इतना दूर निकला ऐसा बेचारा मेरे को, फिर बोल रहा है मैं तो आपके ढूंढ रहा था ये सीन हो रहा है। और अब एग रोल से पेट भर रहा है हमारा, मोमोज खा लिया, हॉट डॉग्स मिला ली, आप एग रोल क्योंकि यही हैवी चीज़ जिससे पेट भर जाएगी एकदम पूरे तरीके से। बस ये खाते हैं फिर घर निकलते हैं, ज़्यादा कुछ खाना नहीं है बस घर निकलते हैं। तो एक हमको हॉट डॉग मिल गया, ये जॉनी हॉट डॉग नाम से एक और दुकान है, वो टेस्ट वाला नहीं है बट ठीक है। और ये जब भी कोई चीज़ देखता है तो देखता था एकदम से क्यूरियस हो गया। खाना वाना हमारा हो चुका है और आइसक्रीम वाइसक्रीम भी खाली खाने के बाद जो भी था। और अभी हम लोग घर निकल रहे हैं और समय तकरीबन 9:30 हो रहा है, तो बस अभी 15 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और दीपू भी पहुंच चुका है घर, तो बस अब जाके सोना है। नहीं यार सोना कहाँ, वीडियो एडिट करना है अभी, तो मेरे को फिर सोना है। तो चलो घर पर मिलते हैं फिर। तो अभी हम लोग घर पहुँचे हैं और आज का दिन तो ऐसा निकला कि जैसे मैं आज ब्लॉगर नहीं, आज फूड ब्लॉगर बन गया। तो बस अभी घर पहुँचे हैं और अब वीडियो एडिट करूँगा। तो आज के सिर्फ इतना ही रखना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, और जो भी कुछ अच्छा हो रहा है सजेशन सुझाव जो भी हो वो कॉमेंट में मेरे को जरूर बता देना। तो बस चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।